नीचे नहीं बनाया है, नीचे इस तरीके से कॉलम दिए हैं इन्होंने और के ऊपर में घर बनाए हैं। बढ़िया लगभग बना दिया है इन्होंने। देखो ये भी बनाया है। भा था थोड़ा बहुत हाँ। थोड़ा बहुत भा था ना, मतलब अंदर चला गया। अच्छा कहाँ तक बन रहा था, ये ऊपर तक बन रहा था या इतना इतना ही बन रहा था? ये मना किसने किया? ये आए थे लोग। अच्छा विभाग ने मना किया, वन विभाग ने यहाँ पर मना किया, उसके बाद मना किया या पहले मना किया? उसके बाद मना करा था कि भाई यहाँ पर मत बनाना। अच्छा तो गाइस देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये नजूल था और सरकार ने साफ मना कर दिया कि नया निर्माण नहीं करने का। खुद अपने हाथ से ये दीवार लगा रहे हैं, ये दीवार सब आपने लगाई है यहाँ से वहां तक। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो के साथ। अभी मैं हूँ इस वक्त उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर में, हल्द्वानी शहर के दमवाढुंगा क्षेत्र में हूँ। दमवाढुंगा का आज मैं एरिया दिखाऊंगा। यहाँ पर जो नाला है उसके नाले के किनारे कितने घर बने हुए हैं और यहाँ पर लोग किस तरह से रह रहे हैं और कितना निर्माण हो रहा है, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। क्योंकि अभी इस वक्त हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, नजूल भूमि पे जो भी मकान बना रहा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस करिए। चलते हैं वीडियो की ओर। तो अभी ये दमवाढुंगा का क्षेत्र है, ये देखिए ये सामने पुल है, वो साइड को सिंचाई विभाग के ऑफिस से उगरा है, जो जो आपको टावर दिख रहा है उसके पीछे का एरिया। और यहाँ का एरिया ये देखिए मैं ज़रा दिखा देता हूँ, ये इधर का एरिया है, ये भी यहाँ पर खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक नया घर बन रहा है दो मंजिला और ये नाला है और यहाँ पर देखो कैसे घर बनाए हैं। ये नाला एकदम ऊपर से, जब एक साल पहले यहाँ पर पिछले बरसात में बादल फटा था तो यहीं से वो तबाही करते हुए आया था। तो यहाँ पर ये साइड को तो थोड़ा दीवार लगी हुई, वो साइड को दीवार नहीं था, वहाँ भी काफ़ी नुकसान हुआ, थोड़ा बहुत घर की बाउंड्रियाँ बही लोगों की। और वहाँ पर देखो सबसे नीचे लोगों ने पिलियर में, वो देख रहे हैं आप सामने लोग रह भी रहे हैं पिलियर में। ज़रा मैं उधर चल के भी बताऊँगा वो साइड से कि वहाँ कैसे रह रहे हैं। अभी मैं ये साइड का ज़रा दिखा देता हूँ। ये देखिए यहीं बादल फटा था ऊपर, भविष्य में कभी भी बादल फट सकता है यहाँ पर, बारिश में यहाँ पर बहुत खतरा है। ये साइड को बाउंड्री लगी हुई है और यहाँ पर जो गाय भैंस वगैरह लोग पालते हैं तो उसका जो गोबर है वो सारा कुछ यहाँ पर फेंका हुआ है। देखो नाले में ये गोबर फेंका है, खाद अगर किसी को चाहिए है तो वो ले जा सकते हैं। यहाँ यहाँ पूरी बाउंड्री है और यहाँ पर यही है एक गाय का तबेला और यहाँ पर गाय वगैरह पाली है लोगों ने और रोज़गार का साधन इनके पास यही है। बहुत सारी गायें हैं, आप दूध भी ले सकते हैं यहाँ से ताज़ा, जो पूरे हल्द्वानी शहर में डेयरी में यहीं से सप्लाई होता है। इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा दूसरे दिन तबेले की, कि यहाँ पर दूध का रेट वगैरह क्या है सारा कुछ वो बताएंगे। अभी सिर्फ इस साइड का दिखाते हैं, इसके किनारे किनारे यहाँ पर ये घर बने हुए हैं। जब यहाँ पर आपदा आए थे अभी भी ये पानी के नल ऐसे ही हैं और यहाँ को देखे पूरा भूकटाव हो गया था, लोगों ने चकडाम से दीवारें भी लगाई थी, फिर भी यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ था पिछले बरसात में। तो यहाँ ये देखो यहाँ पर एक पहले घर भी बन रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ उस घर के। अभी जो ये कॉलम है वो कॉलम जो कि तू ऐसे ही है यहाँ पर, ये देखो इतने यहाँ ये जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है, वन विभाग की ज़मीन है, उस पर ये घर बना रहे थे। कॉलम अभी जो कि तू ऐसे पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर बाढ़ आ गई, पूरा यहाँ भागे लेके गया, तो ये यहाँ तक घर बन रहा था ये बाउंड्री। अभी इसकी भी इसका जो ये कॉलम है ये जो कि तू ऐसे रखे हुए हैं, इसको हटाया नहीं गया है यहाँ से अभी, क्योंकि अभी घर तो बना नहीं सकते यहाँ को, क्योंकि यहाँ को नदी का एरिया आ सकता है। फिर भी यहाँ पूरा पीछे तक बह गया था और यहाँ पर ये दीवार लगा के अभी इन्होंने ये सीसी मार्ग लगभग बना दिया है इन्होंने, ये भी अभी बनाया है। ये किसका घर था, ये यही घर यहाँ पर बना? नहीं तो वो अलग है। अच्छा ये अलग था, तो ये अभी बना नहीं रहा है? अभी नहीं, ये पहले बना रहे थे यहाँ पर जब? अच्छा यहाँ पर मना किया था तो जब ये पिछले, ये तो काफ़ी साल पुराना लग रहा है मेरे को, जब ये पिछले, हाँ जब यहाँ आ सकते हैं इसमें चल सकते हैं, रात ही तो डाला है। जब पिछले साल यहाँ पर, पिछले साल के 8-9 महीने पहले जब बारिश में यहाँ पर पूरा रोला आया था तो उस समय ये बन रहा था घर? अच्छा नीचे, अच्छा कॉलम बने थे तो कितना भा था उस समय? भा था थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत भा था ना, मतलब अंदर चला गया। अच्छा कहाँ तक बन रहा था, ये ऊपर तक बन रहा था या इतना इतना ही बन रहा था? तो ये मना किसने किया? ये आए थे लोग। अच्छा विभाग ने मना किया, वन विभाग ने यहाँ पर मना किया, उसके बाद मना किया या पहले मना किया? उसके बाद मना करा था कि भाई यहाँ पर मत बनाना। अच्छा तो गाइस देखिए यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये नजूल था और सरकार ने साफ मना कर दिया कि नया निर्माण नहीं करने का यहाँ पर। तो अभी कॉलम जो कि जो ऐसे पड़े हुए हैं, तो आपने ये क्या बिगाड़ रखे हैं? ये कचरी बना रखी है। क्या होता है ये? होली पर। अच्छा इसको फ्राई करेंगे तो वो भूज के खाने के लिए। अच्छा आपका, आप किराए पे रहते हैं यहाँ? नहीं हमारा मकान है ये। कौन सा वाला? ये वाला ऊपर में? ऊपर भी। अच्छा तो आपको कुछ नहीं बोला?
नहीं अभी हमको नहीं कर रहा है। अच्छा, बनाने के लिए बोला है आपको? हमारा तो ये हम 10-15 साल से रह रहे हैं। तो ये अभी शीशमहार आपने खुद ने बनाया है या सरकार ने? पहले था बना हुआ, अब ऊंचा कर रहे हैं हम अपने हाथ से। अच्छा, आप खुद अपने हाथ से ये दीवार लगा रहे हैं? ये दीवार सब आपने लगाई है यहाँ से वहाँ तक? ऊंचा कर रहे हैं, गाड़ी नहीं आती हमारी, गाड़ी ऊपर से नहीं आती इसलिए बनाया ये। अच्छा अच्छा, वैसे रहने वाले कहाँ के हुए आप? बरेली साइड से हैं। बरेली, क्या नाम हो आपका? मीना। अच्छा, और ये अभी बन रहा है घर, इसको मना नहीं किया था सरकार ने? जब वो मना किया तो ये और ये खुद से सरकार कोई यहाँ काम नहीं कर रही है, खुद से अपने आने जाने के लिए रास्ता बनाया, सीसी मार लगाया है यहाँ पर। वो देखो, वो दीवार वहाँ से वहाँ तक ये खुद से यहाँ पर कर रहे हैं। और पानी आता है यहाँ? हाँ, पानी आता है। और नीचे से ज़रा मैं दिखा देता हूँ, ये दिए यहाँ से बाउंड्री कर रखी है, ये खुद से इन्होंने सीसी मार्ग पत्थर वगैरह जो भी है खुद से यहाँ तक इन्होंने बना रखा है। यहाँ रोला है, ये नदी है और ये बगल में ही एक घर भी बना है। तो अभी मैं ये साइड को आ चुका हूँ, आपको मैंने वो साइड से दिखाया। अभी ये जो मैंने पिलियर में जो नीचे खंभे गड़े थे वो साइड आ गया हूँ। तो यहाँ पर भी ये नाले के किनारे निर्माण हो रहा है, भविष्य में यहाँ पर बहुत खतरा है, बचन कभी रोला वगैरह आ गया तो बहने के चांस हैं। तो इन्होंने नीचे नहीं बनाया है, नीचे इस तरीके से कॉलम दिए हैं इन्होंने और इसके ऊपर में घर बनाए हैं, बढ़िया आलीशान घर बनाए हैं। नीचे अभी फिलहाल खुला छोड़ा है, लोगों ने यहाँ पर कपड़े बड़े सुखा रखे हैं। ये किसका, ये क्या है यहाँ पर? This is our... आप कहाँ रहते हो यहाँ? सामने लो, वो मैं ना। और ये किचन? अरे हम खेलते हैं ना। हाँ हाँ, तो अभी खेले। अच्छा, ये नकली किचन है? हाँ, मतलब इसमें रियल है, इसको हमने बना भी रखा है अभी। क्या बनाया? ये आलू के थोड़े, आलू के चिप्स बनाए, लोगों ने खरीदे भी है ये देख। अच्छा, तो आप लोग कहाँ पर रहते हो? यहाँ पर? हाँ। तो ये क्या है, ये जो पूरा हॉल है, मकान बन रहा है या फिर ऐसे रहेगा? ये ऊपर से, ये तो ऊपर ही रहता है। मैं तो क्या बोलते उसको, यूपी का हूँ। यूपी का? आप किराए पर रहते हो यहाँ? नहीं, अपना घर है। खुद का घर है ऊपर में? हाँ, ऊपर है। अच्छा, उसके उधर? अच्छा, यूपी बरेली के? हाँ। आप भी उधर बरेली के हो? हाँ। स्कूल जाते हो तुम लोग? हाँ। अच्छा, आज क्यों नहीं गए? पेपर हो गया ना, छुट्टी पड़ गई है। चलो ठीक है, अभी मैं जरा ये क्षेत्र में हूँ। यहाँ जब बादल फटा था, यहीं से फटा था ना बादल, ऊपर से बादल फटा था और यहाँ ये चकडाम लगे हुए हैं। ये देखिए, अभी भी यहाँ नीचे काम हो रहा है और भी यहाँ पर चकडाम लगाए थे, ऐसे रह रहे हैं। देखो, ऊपर भी एक पक्का घर बना है और ये भी है। आप यहाँ लगा दिया है, यहाँ पानी आ जा रहा पूरा, ये हमारे साइड को ही आ रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हो? यही रहते हैं। ये क्या है, वाशरूम है? हाँ। तो गाइस, इन्होंने यहाँ पर ये वाशरूम बना रखा है। ये बंद, ये वन विभाग की जमीन है और ये सामने मकान में आप रहते हो? कहाँ के रहने वाले हो आप? यही के हैं। आपका क्या नाम है अम्मा? मेरा नाम सुंदरी देवी। कहाँ से रहते हो आप, मतलब कहाँ रहते हो आप? यहीं रहते हैं। ये वाले घर पे रहते हो? हाँ, वैसे रहने वाले कहाँ, पहाड़ के हो? हाँ। पहाड़ कहाँ के? कहाँ है, बेड़ीनाक के हुए? हाँ। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? बहुत पहले से रह रहे हैं। बहुत पहले से है। कितने साल हो गए हैं आपको? हो गए बहुत साल, इससे पता है। क्यों आप नहीं आए यहाँ? पहले आप आए या बहू आई? ये आए। आप बाद में आए? तो 20 साल 25 साल हो गया। अच्छा अच्छा, सर ये लगेगा नहीं लगेगा ये बता दीजिए। ये अभी लगेगा, नीचे से जेसीबी चल रही है, यहाँ चकडाम लगेगा। तो ये जमीन आपकी वन विभाग में है या फिर किसी से खरीदी आपने? हमारी है। अच्छा, आपने खरीदी? हाँ, हमारी है। किससे खरीदी आपने? किससे खरीदी है जमीन? ना वो तो ठीक है, आपने घेरी हुई है या वैसे खरीदी किसी ने, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। तो दुमड़ुआ से वीडियो समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल में आप नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बने रहिए आप मेरे वीडियोस में।